वहीं बिलाईगढ़ स्थित खमरिया ग्राम पंचायत के रहवासी गोपालपुर को खमरिया पंचायत क्षेत्र से अलग करने की मांग कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से लगातार ये मांग कर रहे ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन करके गोपालपुर को खमरिया से अलग करने की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने ज्ञापन के जरिए एसडीएम को ये भी कहा है कि अगर चुनाव के पहले परिसीमन नहीं किया तो चक्का जाम करने की चेतावनी उन्होंने दी है। दरअसल खमरिया की आबादी 1300 से भी ज्यादा है और इसके बाद भी गोपालपुर को खमरिया से जोड़ रखा हुआ है। ऐसे में विकास कार्यों के लिए तय बजट सहित अमला और अन्य व्यवहारिक परेशानियों का असर इलाके में विकास कार्यों पर पड़ता है। अगर गोपालपुर अलग हो जाएगा तो दोनों क्षेत्रों में विकास में तेजी आएगी और इसी मंशा से लोग इसकी मांग कर रहे हैं। वो भावना हमन मतदाता के फुल संख्या जो एक ग्राम पंचायत में होना चाहिए वो फुल संख्या काबर के 1000 में अलग होते तो हमारे यहाँ 1302 हो चुके हैं। तो हमन एकर लिए बहुत दिन से प्रयत्नशील हन और हमेशा हमन आवेदन लगात हन। हमन अभी जन दर्शन में भी गए रहन। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अखिल मानिकपुरी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अखिल, आश्रित गांव को पंचायत से अलग करने की मांग इन ग्रामीणों द्वारा की जा रही है, क्या अभी तक कोई आश्वासन? जी बिल्कुल, बता दिए बिलेगढ़ ब्लॉक की खमरिया पंचायत की है जहां पर 1300 से भी अधिक जनसंख्या है। उसके बाद भी आश्रित ग्राम गोपालपुर कर जोड़ कर रखा हुआ तो वही ग्रामीणों का साफ तौर पर यही कहना कि 10 वर्षों से अलग करने की मांग कर रहे ताकि गाँव में जो विकास हो उसकी गति बढ़े। लेकिन किसी प्रकार के 10 वर्ष हो गए, यहाँ तक बलौदाबाजार कलेक्टर साहब को आवेदन भी दे चुके हैं, एसडीएम को आवेदन दे चुके, दे देकर थक भी गए, उसके बाद भी आज तक अलग नहीं किया। जिससे परेशान होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे सैकड़ों की संख्या पर ग्रामीण और अलग करने की मांग की है। वही अगर अलग नहीं करते हैं तो चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इसे गंभीरता से लेते हैं कि नहीं लेते हैं और अलग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। लेकिन जैसा कि अखिल आपने बताया कि कलेक्टर एसडीएम सभी से इस बात की शिकायत की जा चुकी है, माफी जी मांग की जा चुकी है, लेकिन इस मांग पर ध्यान रखते हुए क्या एक छोटा सा आश्वासन भी नहीं दिया गया है कि कम से कम इस बात के लिए तो ग्रामीणों को एहसास दिला दिया जाए कि हाँ हमने आपकी बात को सुन लिया है, आगे चलकर इस पर ध्यान दिया जाएगा, या कुछ भी इस तरीके का कोई आश्वासन दिया हो? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि एसडीएम साहब सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है कि बहुत जल्द अलग कर देंगे बोलकर, लेकिन अभी तक नहीं किया जा रहा। रही बात नजदीकी जैसे ही पंचायत चुनाव आ रहे हैं तो हवाला क्या दिया जा रहा है? सिर्फ यही कि अलग कर दिया जाए बोलकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया जा रहा है, जबकि पंचायत चुनाव नजदीकी आ रहा है। अगर ज्यादा ही नजदीक आ जाएगा तो परिसीमन नहीं हो पाएगा, ना ही अलग हो पाएगा। इससे कारण ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अखिल। विदिशा।